नमस्कार दोस्तों जी, है मेरे पास वीवो का वीवो वी 27। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वीवो की 27 के बाद 29 सीरीज भी आ चुकी है, 29 के बाद 3 भी आ चुकी है 30 दोस्तों, और 30 के बाद 40 भी आ चुकी है दोस्तों। ये फ़ोन काफ़ी पुराना हो चुका है, बट दोस्तों फिर भी इस फ़ोन में हमने एक अपडेट किया है जो हमें कुछ दिन पहले देखने को मिला था, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और दोस्तों क्या ये अपडेट आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही सब बताने के लिए मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाई है, जिससे दोस्तों आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके। क्योंकि दोस्तों काफ़ी अपडेट ऐसे होते हैं जिनको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन में दिक्कत आ जाती है, बैटरी दोस्तों ज़्यादा ड्रेन होती है, जल्दी जल्दी ड्रेन होती है, और भी कई छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस अपडेट की, जो भी दोस्तों मैंने कर लिया है अपने फ़ोन में, तो जी है वो अपडेट। तो देखिए अभी यहाँ पे दिखा रहा है द सिस्टम इज ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि हमने इस अपडेट को कल ही इंस्टॉल किया है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जिसका नाम दोस्तों जी कुछ आप देख सकते हो, जो नाम है इसका अपडेट का। तो चलिए मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ क्या था अपडेट में। तो देखिए सबसे पहले आपका जो सिक्योरिटी पेज लेवल है वो दोस्तों हो चुका है सितंबर का, जबकि अक्टूबर चल रहा है, और लेकिन इसमें सितंबर का हमें सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिला है। और आपके कैमरा में दोस्तों कुछ क्वालिटी वगैरह हैं वो इम्प्रूव कर दी गई हैं, आप देख सकते हो। मल्टीमीडिया वगैरह में कुछ और कुछ दोस्तों थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो ठीक से वर्क नहीं करती हैं वो भी दोस्तों उसका अपडेट दे दिया है। और बाकी जो भी है आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा यहाँ पर नोट्स बना कर दिया गया है। तो दोस्तों ये एक अपडेट है जो हमें वीवो के B27 में देखने को मिला था। अब यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे साइज़ का पता नहीं रहता कि इसका साइज़ क्या था। तो दोस्तों साइज़ मैं आपको बता दूँ कि इस अपडेट का साइज़ दोस्तों 1 GB से थोड़ा कम था, बट दोस्तों बड़ा था बट 1 GB से कम था। तो आप अगर इस फ़ोन को यूज करते हो और आपके फ़ोन में ये अपडेट आया है तो फटाफट से कर लो, क्योंकि आपको भी पता है कि ये फ़ोन काफ़ी पुराना है, मॉडल काफ़ी पुराना हो चुका है। तो इसमें जो भी अपडेट अब आ रहे हैं वो आपके फ़ोन को इम्प्रूव करने के लिए ही आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपके फ़ोन में कोई अपडेट आपको मिलता है तो फटाफट से उसे कर लो, क्योंकि ये जो अपडेट आया है ये अपडेट भी दोस्तों काफ़ी टाइम बाद इस फ़ोन में आया है। ऐसा नहीं है कि इसमें काफ़ी टाइम से अपडेट मिल रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद ये अपडेट हमें देखने को मिला है वीवो वी 27 में। तो अगर आपके फ़ोन में कोई अपडेट आपको दिख रहा है तो आप फटाफट से उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, और आपके फ़ोन दोस्तों पहले के मुताबिक थोड़ा अच्छा ही चलेगा, क्योंकि ये जो वीवो का B27 है ये काफ़ी पुरानी सीरीज हो चुकी है। तो अगर आपके फ़ोन में अपडेट मिल रहे हैं तो फटाफट से उसे इंस्टॉल कर लो, क्योंकि अभी पता नहीं है कि वीवो कब अपने पुराने फ़ोनों में अपडेट देना बंद कर दे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों आपके फ़ोन में अगर ये अपडेट आ चुका है तो आपको अपडेट से क्या क्या इम्प्रूवमेंट होके मिले हैं ये हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है, मैंने चेक नहीं किया कैसी क्वालिटी है और किस चीज़ में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो अगर आपके फ़ोन में ये मिला है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।